सिस्टम का जिम्मेदार किसे समझते हैं? देश भी करो सोचूंगा जिम्मेदार मैं देश के कानून और देश की जनता को समझता हूँ। देश के कानून में एक छोटी सी गलती हो गई है, MLA और MP की पढ़ाई के बारे में कुछ भी लिखा गया। हराने की बात तो ये है कि अगर मुझे DC लगना है, SSP लगना है या किसी ऊंची पोस्ट पे लगना है तो मुझे IAS की पढ़ाई करनी है। अगर मुझे MLA MP लगना है तो मुझे 5वीं भी पास करने की जरूरत नहीं है। इस कानून की वजह से अनपढ़ गुंडे गुंडागर्दी करते करते राजनीति में आ जाते हैं, इससे गुंडागर्दी बढ़ रही है। अगर हम MLA और MP की पढ़ाई कंपल्सरी एजुकेटेड कर दें तो राजनीति में गुंडागर्दी नहीं आएगी और इस देश में बहुत बड़ा बदलाव है। वेरी गुड। नहीं तो क्या कहते हैं आप देश की जनता में किन लोगों को जिम्मेदार समझ रहे हैं? देखिए, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकील एक अनपढ़ नेता को वोट करते हैं ये सोच कर कि वो देश का भला करेगा। उनमें से कुछ लोग पार्टी और धर्म के लिए वोट करते हैं, ना कि देश के लिए। अगर वही लोग देश के लिए वोट करेंगे तो तभी पंजाब की राजनीति में बदलाव आएगा, इस सिस्टम में बदलाव आएगा। नहीं तो हमारे पास कौन सी ताकत है जिसके जरिए हम बदलाव ला सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही ताकत है, वो है वोट। अगर हम एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे तो तभी राजनीति में बदलाव आना है, इस सिस्टम में बदलाव आना है। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जो 40% लोग घर में बैठे रहते हैं वो वोट करने जरूर जाएं, उनका वोट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिस्टम बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है, सिस्टम बुरा इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एकजुट होकर शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं करते। उठो, जागो, शेर बनो, क्योंकि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, ना कि शेर की। इसलिए शेर बनो, एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट। सुपर, अपने मन के शेर को जगाना है, एकजुट होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करना। अच्छा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।